हाय, मैं रुपेश कुमार सिंह अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं बानी के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग फिर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आपके सामने आ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, ये है आपका इंडियन आर्मी। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आपके देश के सबसे बहादुर फोर्स इंडियन आर्मी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, याद रखिएगा, हर साल हम लोग जनवरी 15 को, ठीक है, हर साल जनवरी 15 को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा, आर्मी डे, क्लियर। और आर्मी का जो मोटो है, आर्मी का जो स्लोगान है, वो है, याद रखिएगा, आपका सर्विस बिफोर सेल्फ। जी हाँ, सर्विस बिफोर सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि खुद से पहले मेरे लिए मेरा सर्विस, मेरा जॉब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आर्मी का जॉब क्या है? आर्मी का जॉब होता है देश की रक्षा करना। तो देखिए, इनका मोटो क्या बता रहा है, मोटो में ही पता चल जाता है कि उनके अंदर देशभक्ति कितना है। दैट इज द सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले मेरे लिए मेरा देश इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता होगा कि जो आर्मी है, आर्मी जो है हमारी देश की लैंड में, या कि जमीन जो होता है उसको रक्षा करती है। कौन? आपका आर्मी। वही जो नेवी होती है वो आपका वाटर ब्रिगेड उसको बोला जाता है, और जो एयरफोर्स होती है वो आपकी पता होगा आपको, वो एयर ब्रिगेड होती है, क्लियर। और हमारा जो इंडियन आर्मी है उसके जो प्रेजेंट आप लोग बोल सकते हो हेड है, वो है, याद रखिएगा, आपका जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। ठीक है, आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी वो अभी आपके आर्मी के आप लोग बोल सकते हो हेड है, क्लियर। और आपका जो इंडियन आर्मी है उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? वो देखने को मिलेगा आपको न्यू दिल्ली में। जी हाँ, द इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और बात किया जाए तो जो इंडियन आर्मी है उसको टोटल 7 कमांड में डिवाइड किया गया है, याद रखिएगा, इंडियन आर्मी को टोटल 7 कमांड में डिवाइड किया गया है। और जो एक एक कमांड होता है इंडियन आर्मी का, उसका हेड होता है, याद रखिएगा, आपका लेफ्टिनेंट जनरल। जी हाँ, जो एक एक कमांड आपको देखने को मिलेगा, जो 7 कमांड होते हैं, 7 कमांड के जो हेड होते हैं वो होते हैं, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल। और जो इंडियन आर्मी का कमांड होता है इसको अगेन क्या किया गया, आपका 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है आपका एरिया और एक होता है आपका सब एरिया, याद रखिएगा। आपका जो कमांड होता है इंडियन आर्मी का उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है आपका एरिया और एक होता है आपका सब एरिया। अब मैं आपको जो इंडियन आर्मी है उसके 7 कमांड के बारे में दिखा देता हूं। देखिए, जो इंडियन आर्मी है उसका जो नॉर्थर्न कमांड है, ठीक है, जो इंडियन आर्मी है उसका जो नॉर्थर्न कमांड है वो है, याद रखिएगा, आपका उधर। उसी प्रकार से जो इंडियन आर्मी है उसका जो वेस्टर्न कमांड है वो देखने को मिलेगा आपको, ईस्टर्न कमांड देखने को मिलेगा आपको कलकत्ता में, साउथर्न कमांड देखने को मिलेगा आपको पुणे में, जो सेंट्रल कमांड है इंडियन आर्मी का वो देखने को मिलेगा आपको लखनऊ में, आर्मी का जो ट्रेनिंग कमांड है वो आपको देखने को मिलेगा मऊ में, और जो साउथ वेस्टर्न कमांड है इंडियन आर्मी का वो आपको देखने को मिलेगा जयपुर में। ठीक है, तो ये आपके इंडियन आर्मी के 7 कमांड जो मैं आपको बताया। अच्छा, अगर आगे देखते हैं तो जो इंडियन आर्मी, जैसे बताया गया आपको, उसका जो इंडियन आर्मी का जो कमांड होता है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपका एरिया और एक होता है आपका सब एरिया। याद रखिएगा, जो इंडियन आर्मी का जो एरिया होता है, जो कमांड को फर्दर डिवाइड किया गया एरिया में, उसको चेयर करते हैं आपके मेजर जनरल। ठीक है, एरिया को चेयर करते हैं आपके मेजर जनरल, वहीं जो सब एरिया होता है उसको चेयर करते हैं हमारे ब्रिगेडियर, जो इंडियन आर्मी के जो ब्रिगेडियर होते हैं वो चेयर करते हैं। अच्छा, अभी जैसे आपको बताया गया कि जो इंडियन आर्मी होता है उसके जो प्रेजेंट हेड है वो है आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। तो याद रखिएगा, इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ थे उनका नाम था महाराजा राजेंद्र सिंह जी। ठीक है, उनका नाम था, याद रखिएगा, महाराजा राजेंद्र सिंह जी। और जो इंडियन आर्मी के आप लोग बोल सकते हो पहले कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, इंडियन आर्मी के जो पहले कमांडर इन चीफ थे उनका नाम था, याद रखिएगा, जनरल करियप्पा। ठीक है, फर्स्ट CIC कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वो थे आपके जनरल करियप्पा। और
आपको पता होगा हमारे इंडिया के जो पहले फील्ड मार्शल थे उनका नाम था SHFJ मनिक्सा, जिन्होंने आपको पता होगा 1971 जो इंडो पाकिस्तान वार हुआ था उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। किसने? आपका SHFJ मनिक्सा ने आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अच्छा, अब आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिए द रैंक्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, जो इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको किस किस रैंक से रखा गया है, तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ा रैंक होता है इंडियन आर्मी का वो होता है, याद रखिएगा, आपका जनरल। क्लियर? उसके बाद देखिए दिखा गया आपको लेफ्टिनेंट जनरल, नेक्स्ट होता है आपका मेजर जनरल, नेक्स्ट होता है आपका ब्रिगेडियर, नेक्स्ट होता है आपका कर्नल, नेक्स्ट होता है आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, नेक्स्ट होता है आपका मेजर, नेक्स्ट होता है आपका कैप्टन और नेक्स्ट होता है आपका लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको रैंक में रखा गया है, याद रखिएगा। अच्छा, यहां पे मैं जो आपको बताया वो बताया खाली ऑफिसर्स रैंक, लेकिन आपको पता होगा इंडियन आर्मी में बहुत सारे बिलो ऑफिसर रैंक भी होते हैं, तो उनमें देखा जाए तो सबसे बड़ा रैंक है वो है, याद रखिएगा, सूबेदार मेजर। नेक्स्ट आते हैं आपके सूबेदार, नेक्स्ट आते हैं आपके नायब सूबेदार, नेक्स्ट आते हैं आपके हवलदार, नेक्स्ट आते हैं आपके नायक, नेक्स्ट आते हैं आपके लांस नायक और नेक्स्ट आते हैं आपके सिपाही। ये हो गया आपका क्या, बिलो ऑफिसर रैंक ऑफ इंडियन आर्मी। अच्छा, आप लोग बोल सकते हो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन आर्मी के एस्पेक्ट्स जो कि मैं आपको बताया। क्लियर? आने वाले कुछ क्लास में अगेन मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।